उसका दुखद परिणाम होता है, समाज में विभाजन होता है। जब देश का संविधान बना हुआ है वह धर्म जाति के आधार पर, तो बार बार इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करके आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यह काम किया है। कहां बचिएगा, किससे बचिएगा? मोहन भागवत की यह कौन सी कवायद है, विभाजनकारी शक्तियों को नियंत्रित करता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान बना हुआ है तो फिर देश में जातिवादी के मुद्दों पर राजनीति क्यों की जाती है। उन्होंने कहा है कि जातिवादी के मुद्दों पर राजनीति करने की वजह से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है और गलत विचार निकलती है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यह कौन सी कवायद है, जब देश का संविधान बना हुआ है वह धर्म जाति के आधार पर विभाजनकारी शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो बार बार इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करके समाज में और राजनीति में जो जहर फैलाने की कोशिश होती है, तो कहां बचिएगा, किससे बचिएगा? आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यह काम किया है, तो भगवान कृष्ण तो भगवान के रूप में थे और उन्होंने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। इसकी व्याख्या क्या है? इसलिए धर्म के आधार पर समाज को चलाने की जो कवायद होती है, धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल होता है, उसका दुखद परिणाम होता है, समाज में विभाजन होता है। इसलिए माननीय मोहन भागवत जी, अगर धर्म के बड़े ठेकेदार आप हैं, तो उस धर्म को मानने वाले लोगों के जीवन दशा बदले, यह चिंतन करिए, न कि धर्म के आधार पर कौन गुनाहगार है, कौन जिम्मेवार है। अरे सबको देखने के लिए तो संविधान बना हुआ है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। उन्होंने कहा है कि देश की राजनीतिक में जातिवादी के मुद्दों को ऊपर कर आखिर देश में जहर क्यों फैलाया जा रहा है। देश में जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान ना निकालकर जातिवादी के मुद्दों को आगे कर देते हैं, जिससे लोग अपनी समस्याओं से भटक जाते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।